नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में मंगलवार को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खिताब के लिए टक्कर देखने को मिलेगी। आईपीएल 13 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने क्वालिफायर 1 में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जगह बनाई थी। दिल्ली की टीम क्वालिफायर 2 में शानदार वापसी करते हुए सनराइजर हैदराबाद को हराकर पहली बार फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला शाम के 7:30 बजे से खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस की टीम छठी बार फाइनल में जगह बना पाई है। फाइनल में मुंबई की टीम का रिकॉर्ड सबसे शानदार है और वो 4 बार खिताब अपने नाम करने में कामयाब रही है। 2010 में मुंबई इंडियंस की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी, तब उसे हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2013, 2015, 2017 और 2019 में फाइनल का सफर तय करने के बाद मुंबई की टीम ने खिताब अपने नाम किया। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो ये टीम पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है। मौजूदा समय में 8 एक्टिव टीमों में दिल्ली ही एक ऐसी टीम थी जिसने अब तक फाइनल नहीं खेला था, लेकिन दिल्ली की टीम ने इस सीजन में इतिहास रच दिया। दिल्ली ने रविवार को शेख जायद स्टेडियम में खेले गए सीजन के दूसरे क्वालिफायर में रविवार को सनराइजर हैदराबाद को 17 रनों से हरा दिया। फाइनल में उसे रिकॉर्ड 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से भिड़ना है, जिसने उसे पहले क्वालिफायर में भी मात दी थी। इस सीजन की बात करें तो मुंबई और दिल्ली की टीम 3 बार आमने सामने हुई है और तीनों ही बार मुंबई ने दिल्ली को हराया है। क्वालिफायर 1 का मुकाबला तो बिल्कुल एक तरफा था, मुंबई ने दिल्ली को रौंदते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि दिल्ली के लिए अच्छी बात यह रही कि टीम ने दूसरे क्वालिफायर में हैदराबाद पर एक बड़ी जीत दर्ज की। टीम की ना सिर्फ बल्लेबाजी चली बल्कि गेंदबाजी ने भी कमाल किया। हैदराबाद के खिलाफ स्टोइनिस से ओपन करवाकर दिल्ली ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था जो काम कर गया। स्टोइनिस ने गेंद और बल्ले से दोनों से कमाल करके दिखाया, लेकिन मध्यक्रम अभी भी टीम का कमजोर नजर आ रहा है। दोनों ओपनरों के शानदार शुरुआत के बाद भी टीम एक समय मुश्किलों में नजर आ रही थी। अंतिम ओवरों में हेटमायर की ही पारी के बदौलत टीम जैसे तैसे 189 तक पहुंच पाई थी। हालांकि ये जरूर है कि मुंबई इंडियंस की टीम खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, क्योंकि इस टीम के पास न सिर्फ 5 बार आईपीएल खेलने का अनुभव है बल्कि इस सीजन में मुंबई ने दिल्ली को 3 बार मात भी दी है। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दिल्ली की तुलना में सबसे ज्यादा बैलेंस दिखाई देती है। हालांकि रोहित शर्मा का फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय जरूर है। दिल्ली की बात करें तो उसे सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ बल्ले और गेंद दोनों से ही शानदार खेल दिखाया है और फाइनल में जगह बनाई है। दिल्ली की टीम के लिए शिखर धवन और कंगिसोर रबाडा का फॉर्म सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन ऋषभ पंत इस सीजन में बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली के पास उनका कोई विकल्प भी नजर नहीं आ रहा है। फाइनल मुकाबले की बात करें तो भारतीय समय अनुसार ये शाम के 7:30 बजे से दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।